हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कुलवंत सिंह। आज हम पढ़ेंगे सिक्स क्लास के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि है हमारे पास टेबुलर प्रेजेंटेशन इन वर्ल्ड। टेबुलर प्रेजेंटेशन इन वर्ल्ड। तो बच्चों, आपने एमएस वर्ल्ड पढ़ा, उसके अंदर काफ़ी कुछ क्वेश्चन भी हमने पढ़े। लास्ट टाइम हमने एमएस वर्ल्ड जो पढ़ा था, उसके अंदर हमने शॉर्टकट की काफ़ी कुछ उसके बारे में हमने सीखा है। लेकिन कुछ बच्चों को हमने दिया टेबल बनाने के लिए लास्ट टाइम, तो वो बच्चे टेबल तक नहीं बना पाए। तो आज हम लेकर आए हैं आपके बीच में इसी प्रकार की वीडियो। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेक्शन ए वीडियोस, टेबल के बारे में ही आज हम ज़्यादातर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले टेबल को किस तरह से इंसर्ट करना है, टेबल होता क्या है, यहाँ पे भी आप वीडियो में देख पा रहे हैं। वर्ल्ड टेबल जो हमने अल्टीमेट रो एंड ये मैक्सिमम नंबर ऑफ 36 जो भी है यहाँ पे हमारे पास 63, और हम इन सब को हमने मिला के हमने एक टेबल तैयार किया है। टेबल तैयार करने के बाद हमने इंसर्ट किया उस टेबल को, यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसर्ट किया। यहाँ से 5x2 है, यहाँ पे हमने ये इंसर्ट किया है। ओके, ये जैसे इसको, तो हमारे पास कुछ टेबल इस तरह से बन के आता है। कुछ इस तरह से टेबल बन के आता है हमारे पास, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टाइम टेबल। तो ये हमने इस तरह से इंसर्ट कर लेना है टेबल को यहाँ से, चाहे आप उसमें थर्मोमीटर लगा रहे हैं या कोई भी सिस्टम, ये प्रैक्टिस के लिए आपको दे रखा है। आपने टेबल इस तरह से बना के उसके अंदर ये डालना है, ठीक है जी। तो किस तरह से इंसर्ट किया हमने, तो आपने जैसे ही हम टेबल पे इंसर्ट टेबल पे गए, वहाँ पे हमारे पास इंसर्ट टेबल का चार्ट इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके अंदर 5x2 हमने एक इंसर्ट टेबल ले लेना है, और जैसे 5x2 आप चेंज भी कर सकते हैं उसको, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे 7, 8, 9, 10 जितना भी आप चेंज करना चाहो आप वहाँ से चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे ये टेबल बन जाएगा, जितना आपने लेना है उतना टेबल आपके पास यहाँ पे टेबल आ जाएगा। उसके बाद हमने इसी तरह से आगे रो कॉलम ले लेनी है। रो कॉलम का तो आपको पता ही है किस तरह से रो बनती है, किस तरह से हमारे पास कॉलम बनता है। हमने रो कॉलम लास्ट टाइम भी किया है, सभी बच्चों को पता है किस तरह की रो होती है, किस तरह रो लेनी है और किस तरह से हमने कॉलम लेना है। रो कॉलम आपको हम एक बार दिखा सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये हमारा पॉइंटर है, ये हमने बॉक्सेस बना लिए हैं। एक बॉक्स को आपको पता है क्या बोलते हैं हम, एक बॉक्स को जैसे हम सेल बोलते हैं, इसी तरह से इसका हमने रो कॉलम बना लेना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ एक बॉक्स को हम सेल बोलते हैं, और यहाँ पे इस तरह से डिलीट करने के लिए सेल को हमें सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, रो डिलीट करनी है, वो सब हमें यहाँ पे दे रखा है। इसी तरह से हमने कुछ एक टॉपिक लेना है, टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला ये टॉपिक हमने लेना है, और हमने इसको इस तरह से तैयार कर लेना है। कोई मिस्टेक हो या कुछ समझ में ना आए तो आपने पूछ लेना है। ये हमारा प्रैक्टिकली लैब के लिए है, जब हम इसमें लैब में एक्टिवेट इसको करेंगे, लैब में चलाएंगे, तो हमने इस तरह से हमने इसको चला लिया। ये प्रैक्टिकल के लिए आपको दिया जाएगा। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने मर्ज कैसे करना सेल को, स्प्लिट कैसे करना। स्प्लिट मीन्स पहले मर्ज देख लेते हैं फिर स्प्लिट देखते हैं, ठीक है जी। अब मर्ज सेल की बात कर लीजिए, मान लीजिए हमने चार कॉलम लिए हैं, यहाँ पे चार कॉलम लिए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे चार कॉलम है, ठीक है जी। आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे चार कॉलम बने हुए हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4। चार कॉलम बनने के बाद हमने क्या करना है, इसको जब मर्ज करेंगे, मर्ज करने के बाद आप ये ऑप्शन देख रहे हैं मर्ज करने वाला, आप ये ऑप्शन देख रहे हैं मर्ज करने वाला यहाँ पे मर्ज सेल। तो यहाँ पे हमने जैसे इसको मर्ज किया, ये एक बॉक्स बन गया ऊपर वाला, और नीचे दो बॉक्स बन गए, ये ऊपर वाला ओनली एक बॉक्स है, यानी कि ये मर्ज हो चुका है, ठीक है। इसी तरह स्प्लिट
स्प्लिटिंग सेल बना लेना है। हमने स्प्लिटिंग सेल का मीनिंग क्या है, जैसे हमारे पास हमने जैसे ये एक हमने लिया है 1 2 3 थ्री बॉक्सेज लिए, लेकिन हमने क्या करना है डिवाइड कर देंगे थ्री वाले को, तो नीचे वाला कॉलम है उसके अंदर हमने स्प्लिट कर देना है, इसको दो बना लेना है, यानी कि तीन कॉलम बन जाएगा 1 2 3। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखिए जैसे ही हमने यहाँ से स्प्लिट पे गए, स्प्लिट पे डिवाइड करने के बाद अब हमने लिया है यहाँ पे 3/1, लेकिन हमने 2/1 भी ले सकते हैं, 1/1 तो है ही है ये, लेकिन यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। जैसे मैंने 3/1 किया यहाँ पे, तो ये कॉलम जो है 3 भाग में डिवाइड हो चुका है और ये इस तरह से बन के हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, फॉर्मेटिंग में है, आप कलर भी दे सकते हैं इसको, डिजाइनिंग भी दे सकते हैं अलग अलग टाइप्स में फॉर्मेटिंग में। और इसी तरह से बॉर्डर की बात करें, अगर हम हमारे पास बॉर्डर एंड शेडिंग नीचे दे रखा है यहाँ पे, तो इसी तरह अगर हम बॉर्डर एंड शेडिंग की बात करें, जैसे हम बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरह से हमें ये चीज दिखाएगा। यहाँ पे जैसे हम नन बॉक्स ऑल ग्रिड कस्टम ये सब हमें दे रखा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो जैसे हम यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे, बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ये लाइन हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से बॉक्स हमारा दिखाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, अगर आपने डॉटेड लाइन लेनी है डॉटेड लाइन दिखा दो, बॉक्सेस लाइन लेनी है तो बॉक्सेस लाइन दिखा दो। उसके बाद हमारे पास कलर दे रखा है हमें यहाँ पे, अगर आपने इसको कलर में दिखाना है तो कलर में दिखा सकते लाइन को, तो ये कलर में हो जाएगी। ये होता है हमारे पास साइज के लिए, लाइन का साइज आप जितना थिंक करना चाहो थिंक कर सकते हो, मोटा जितना भी आपको जैसे मोटा या पतला करना है उस तरह से आपको उसको यहाँ से चेंज कर लेना है और यहाँ से टेबल को ओके कर देना है, तो फिर ये टेबल उसी तरह से आपका सेट हो जाएगा। अदरवाइज आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपका क्या होगा कि एक अलग टाइप्स में डिजाइन आपके पास यहाँ से निकल कर आएगा, जो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करते हो, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है चेंजिंग सेल। चेंजिंग सेल में क्या है, जैसे हम कोई रो एंड कॉलम को लेते हैं या नंबर को लेते हैं तो हम उसको चेंज करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये दे रखा है हमें, चाहे तो आप उसको ऊपर की तरफ ले लिए, सेंटर में ले लिए, राइट साइड ले लीजिए, मिडल में ले लीजिए, ये सभी हमारे पास यहाँ पे सेल एलिगमेंट के ऑप्शन दे रखे हैं। हम ये सेल एलिगमेंट कहाँ से ला सकते हैं, राइट क्लिक करके माउस का, जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सेल एलिगमेंट यहाँ से ओपन हो जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे इनको चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपने टेबल के बॉडी जो भी बनाना है उसी तरह से ये चेंज हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे बच्चों जो हमने अभी क्वेश्चंस आपको टिक करवाने हैं या फिर जो भी हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये सब हमने कॉपी में नोट कर लेने हैं सभी ने, और आगे के लिए जो हम आपको करवाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज टेबल, तो हमने पेज नंबर 19 पे लिखा हुआ है, हम पेज नंबर 19 पे जाएंगे, वहाँ पे मैं आपको अब थोड़ा सा और इजी करके दिखाऊंगा। इजी करने के बाद हमने वहाँ पे क्या करना है, उसको मैं यहाँ पे मार्क्स लिख दूंगा, मार्क्स लिखने के बाद साथ ही में उसके जो भी मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग और हम लिख देंगे, और जो रह जाएगा हमारे पास क्वेश्चन और उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे, जितने नंबर का होगा और जिन पेज नंबर पे होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। और इसी तरह से हम आगे इसको नोटबुक में उभार लेना सभी ने, नोटबुक में उतारने के बाद कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरी हो तो आप अपनी पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हैं, अगर ग्रुप के अकॉर्डिंग कोई बच्चा ग्रुप में ऐड नहीं है वो भी हमें पर्सनली मैसेज भेजकर अपना नंबर ऐड करवा सकता है। ओके बच्चों, थैंक यू।